करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत मायने रखता है। पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत करती है। हिंदू धर्म के प्रत्येक त्योहारों के कोई ना कोई मायने जरूर होते हैं। बात करें करवा चौथ के व्रत की तो इसके पीछे भी एक कथा छुपी है। करवा चौथ के व्रत का प्रचलन कैसे और क्यों शुरू हुआ, इसकी कथा कब और किस समय सुनना शुभ होता है। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे करवा चौथ का प्रचलन कब कैसे और क्यों शुरू हुआ। पौराणिक मान्यता के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। एक बार करवा के पति नदी में स्नान कर रहे थे, उस दौरान मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। करवा के पति ने अपने प्राण की रक्षा के लिए अपनी पत्नी को पुकारा। करवा के पतिव्रता धर्म का पालन करने से उसके सतीत्व में काफी शक्ति थी। करवा ने अपने पति के प्राण संकट में देख यमराज से अपने पति के प्राण के लिए प्रार्थना की। करवा के पतिव्रता होने के कारण यमराज ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। पूछा, हे देवी आप क्या चाहती हैं? इस पर करवा ने कहा कि मेरे पति के प्राण इस मगरमच्छ के कारण संकट में पड़े हैं, आप उसे मृत्यु दंड दे दीजिए। ऐसा कहने के बाद यमराज ने करवा से कहा कि उस मगरमच्छ की आयु अभी शेष बची है। करवा ने कहा कि यदि आपने उस मगरमच्छ को मृत्यु दंड नहीं दिया तो मैं अपने तपोबल से आपको श्राप दे दूंगी। करवा के ऐसा कहने पर यमराज के निकट में खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए और उसके अस्तित्व के कारण उसकी कही बात को टाल भी ना सके। तब उन्होंने यमराज से कहा कि आप मगरमच्छ को यमलोक में बुला लें, उसके पति को चिरायु का वरदान दें। यमराज देवता करवा माता के पतिव्रता होने से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आपने अपने तपोबल से अपने पति के प्राण संकट से बचाए हैं तो मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आज आपको वरदान देता हूँ कि जो सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए आज के दिन यानी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन व्रत रखेंगी उनके पति की आयु लंबी होगी और उनके सुहाग की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। करवा चौथ की यह कथा अति पावन है। इस कथा को करवा चौथ के दिन सुनना बहुत शुभ माना जाता है। करवा माता की कथा सुनने के लिए, यह कथा का पाठ करने के लिए सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर करवा माता की तस्वीर पूजा घर में रखकर उनसे अपने पति की दीर्घ आयु की प्रार्थना करनी चाहिए। करवा चौथ की कथा सुनने के लिए सबसे सही समय अभिजीत मुहूर्त माना गया है। उस समय करवा चौथ की कथा सुनना या उसका पाठ करना दाम्पत्य जीवन के लिए भाग्यशाली होता है। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय करवा माता अवश्य लिखें।